हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन टॉपिक के अंतर्गत या चैप्टर के अंतर्गत मेंडल के जो इनहेरिटेंस के लॉज हैं उनके बारे में फिर से रिवाइज करते हुए मुख्यतः मेनली मोनोहाइब्रिड क्लास और डाईहाइब्रिड क्लास का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इसके अंतर्गत मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के क्या रिजल्ट आते हैं या मेंडल ने इनके क्रॉस के फलस्वरूप क्या रिजल्ट पाया था उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें कि एक जोड़ी विरोधी लक्षणों वाले पौधे के बीच में क्रॉस करा करके उसके रिजल्ट का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जब किसी ऐसे पौधे के बीच जिसमें कि केवल एक जोड़ी करैक्टर के बारे में स्टडी किया जाता है या क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो जोड़ी विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है। दो जोड़ी विरोधी लक्षणों वाले पौधे अर्थात टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है ऐसा क्रॉस जिसमें वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर मेनली फोकस किया गया हो या वो क्रॉस जो केवल वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड हो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। और जो टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस्ड हो ऐसे क्रॉस को डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। आज हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस का यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और पाएंगे कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बीच में क्या डिफरेंस पाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या रिजल्ट रहा, डाईहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या रहा। इसके पहले के लेक्चर में मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस सबके बारे में पूरी डिटेल स्टडी करा चुका हूँ। यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस पर मेनली एक बार फिर से फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका अभी इसी चैप्टर में आगे बहुत यूज है। तो सबसे पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको पता है कि मेंडल ने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का स्टडी करने के लिए पाइसम स्टाइबम अर्थात गार्डन पी या पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में या इस क्रॉस में मेंडल ने प्योर पी प्लांट लिया था, प्योर टॉल पी प्लांट, प्योर टॉल पी प्लांट और प्योर डॉर्फ प्लांट या प्योर डॉर्फ पी प्लांट लिया था। तो जब प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ के बीच में मेंडल ने क्रॉस कराया तो पाया कि पहली जनरेशन में जो भी प्लांट मिलते हैं वो फीनोटाइपिकली टॉल होते हैं, ये रिजल्ट में मिला था। ये प्रथम संतानी पीढ़ी यानी F1 जनरेशन की रिजल्ट है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ पी प्लांट के बीच में अर्थात पाइसम स्टाइबम प्लांट के बीच में क्रॉस कराने पर मेंडल ने पाया कि एक्सटर्नली जो करेक्टर्स दिखाई देते हैं वो टॉलनेस का करेक्टर एफ वन जनरेशन में दिखाई देता है। यहाँ प्योर टॉल से मतलब ये है कि अगर इन पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाए तो इन पौधों से केवल और केवल टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस होंगे, डॉर्फनेस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जबकि प्योर डॉर्फ का मतलब है कि अगर इन पौधों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस कराया जाए तो ऐसे में
केवल और केवल डॉट पौधे प्रोड्यूस होंगे, उसमें टॉलनेस की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ अपने अपने हाइब्रिड के लिए, अपने अपने करेक्टरिस्टिक के लिए प्योर है, अर्थात टॉल से टॉल का ही करेक्टर प्रोड्यूस होगा और डॉर्फ से डॉर्फ का ही करेक्टर प्रोड्यूस होगा अगर वो प्योर है तो। तो प्योर की कंडीशन में प्योर टॉल से टॉल ही पौधे प्रोड्यूस होंगे और डॉर्फ से डॉर्फ, इसीलिए यहाँ पर प्योर शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराने पर जो हमें फिनोटाइपिकली रिजल्ट मिल रहा है फर्स्ट जनरेशन में, वो मिल रहा है टॉलनेस का, ठीक। लेकिन जब मेंडल ने इस फर्स्ट जनरेशन से प्रोड्यूस हुए पौधों के बीजों को उगा करके, तो वो फर्स्ट जनरेशन के बीच प्रोड्यूस हुए जो पौधे हैं उनको उगाया और उनके बीच में क्रॉस कराया, यानी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने पर उनमें दो तरीके के पौधे अगली जनरेशन में मिलते हैं, यानी अगली जनरेशन एफ टू जनरेशन में उसमें दो तरीके के पौधे उगे, कुछ पौधे लंबे थे और कुछ पौधे बौने थे। इन लंबे और बौने पौधों में जो फिनोटाइप रेशियो था वो फिनोटाइप रेशियो 75% टॉल थे, 75% टॉल और 25% डॉर्फ थे। इट मीन्स 3:1 का सिंपल मोनो हाइब्रिड रेशियो मिला, दैट इज नॉन एज टिपिकल मोनो हाइब्रिड रेशियो, टिपिकल मोनोहाइब्रिड रेशियो। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है या फिनोटाइप रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ पी प्लांट के बीच में क्रॉस करने पर मेंडल ने पाया कि एफ वन जनरेशन में जितने भी पौधे प्रोड्यूस होते हैं वो तो सभी फिनोटाइपिकली टॉल होते हैं, लेकिन जब इन टॉल प्लांट्स को नेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्रो किया जाता है, अर्थात इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया जाता है, तो इस सेल्फ पॉलिनेशन के बाद इसमें दो तरीके के पौधे 3:1 के रेशियो में प्रोड्यूस होते हैं, अर्थात दोनों ही करेक्टर टॉल और डॉर्फ का, टॉलनेस का करेक्टर और डॉर्फनेस का करेक्टर 75:25% के रेशियो में या सिंपल रेशियो 3:1 के रेशियो में मिलता है। तो यहाँ पर मेंडल ने इस बात को प्रूव किया या इस बात का इस एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट या डिस्कस निकाला कि एफ1 जनरेशन में प्योर टॉल्स और प्योर डॉर्फ के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो एफ1 जनरेशन में टॉल का करेक्टर हमें एक्सटर्नली दिखाई देता है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में हमें टॉल और डॉर्फ दोनों के करेक्टर दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि एफ1 जनरेशन में टॉलनेस के साथ साथ डॉर्फनेस का करेक्टर भी प्रेजेंट था, लेकिन टॉलनेस का करेक्टर ही दिखाई दिया, डॉर्फनेस का करेक्टर नहीं दिखाई दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टॉलनेस का करेक्टर डॉर्फनेस के करेक्टर पर डोमिनेंट है और एफ1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट करेक्टर अपने को एक्सप्रेस करते हैं, रिसेसिव करेक्टर अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जबकि इस एफ1 जनरेशन के बीच जब क्रॉस होता है तब नेक्स्ट जनरेशन यानी एफ2 जनरेशन में वो दोनों ही करेक्टर एक टिपिकल रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, जिसमें से टॉल और डॉर्फ दोनों का टिपिकल मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 के रूप में मिलता है। यहाँ पर एक बात आपको और समझ लेनी चाहिए, ये जो रेशियो 3:1 है ये फिनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस,
वो उसमें आपको देखना पड़ेगा द टिपिकल रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइपिकली इज 3:1। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रिप्रेजेंटेशन था, डायग्रामेटिक फिनोटाइप रिप्रेजेंटेशन था। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन कुछ छोटी बातें इसमें आपको और बतानी थी, इसलिए मैंने इसको बताया। यहाँ पर एक बात ये मेंशन करने की है कि ये जो 3:1 का रेशियो है, ये कैसा रेशियो है? ये फिनोटाइप रेशियो है या फिनोटाइपिक रेशियो है, तो आपको याद रखना चाहिए फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, यानी उसमें से 75% प्लांट्स टॉल हैं और जबकि 25% प्लांट डॉर्फ है। तो टॉलनेस और डॉर्फनेस का जो रेशियो है दैट इज 3:1, इट इज अ फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इस रिजल्ट को, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग जीनोटाइपिकली स्टडी कर लेते हैं, और जीनोटाइपिकली स्टडी करने के लिए हम लोग इसमें एक चीज ऐड करते हैं, लेकिन हम इरेज करके इसको फिर आपको बताते हैं। प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को हम लोग जीन के रूप में एक्सप्रेस करके देखते हैं। मेंडल ने इसके पहले जो हमने समझाया वो फिनोटाइप रूप में यानी एक्सटर्नल करेक्टर के बारे में स्टडी करके बताया था, लेकिन जब उसके जीनोटाइप का स्टडी उन्होंने किया तो जीनोटाइप में उन्हें थोड़े से रिजल्ट में डिफरेंस मिला था। और वो रिजल्ट क्या डिफरेंस मिला था अभी आगे आपको क्लियर करता हूँ। प्योर टॉल को जीनोटाइपिकली कैपिटल टी और कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। कैपिटल टी और कैपिटल टी ये जीन को एक्सप्रेस करने वाला है, यानी एक पेयर है जीन का जिसको एलील्स कहा गया, मेंडल ने एलील्स नाम दिया था। तो यहाँ पर जो प्योर टॉल का एक करेक्टर है उसको कैपिटल टी और कैपिटल टी से, और जबकि प्योर डॉर्फ का जो करेक्टर है उसको स्मॉल टी से डिनोट किया गया या एक्सप्रेस किया गया। तो मेंडल ने जब जीनोटाइपिकली इसमें रिजल्ट का स्टडी किया तो पाया कि देखिए प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ में जब क्रॉस कराया गया था तो फिनोटाइपिकली यहाँ हमें कैसे पौधे मिले थे, सभी लंबे यानी ऑल द प्लांट्स वर टॉल। लेकिन जब जीनोटाइपिकली उसमें देखा गया तो भले ही बाहर से वो टॉलनेस का करेक्टर दिखा रहा था, लेकिन जीनोटाइपिकली उसमें दोनों प्रकार के जीन्स थे, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन फिनोटाइपिकली कौन सा करेक्टर डेवलप हुआ था, कौन सा करेक्टर एक्सप्रेस हुआ था, दैट वाज टॉल। तो टॉलनेस का करेक्टर एक्सप्रेस हुआ, लेकिन जीनोटाइप में कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, अर्थात टॉल का भी जीन आया और डॉर्फ का भी जीन आया। ये F1 का रिजल्ट है, F1 जनरेशन। इसके बाद जब मेंडल ने इन टॉल प्लांट्स के बीच सेल्फ पोलिनेशन होने दिया, यानी अपने आप क्रॉस होने दिया, तो आपको पता है कि टी प्लांट के बीच में सेल्फ पोलिनेशन ही होता है, नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन होता है, बाकी अपने आप उसमें कोई क्रॉस नहीं होता। तो इसलिए इस सेल्फ पोलिनेशन के बाद मेंडल ने फिनोटाइपिकली दो तरीके के पौधे पाए थे, लंबे और बौने यानी टॉल एंड डॉर्फ 3:1 के टिपिकल रेशियो में। लेकिन जब मेंडल ने जीनोटाइपिकली उस F2 जनरेशन के प्लांट का स्टडी किया तो पाया कि उसमें तीन तरीके के पौधे हुए, 3 types of plants, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड प्योर टॉल, 3 types के। प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल
एंड प्योर डॉग। ये सारे पौधे इधर प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल ये सभी टॉलनेस के करेक्टर को दिखा रहे हैं, लेकिन जीनोटाइपिक वे में जब इसका स्टडी किया मेंडल ने तो पाया कि प्योर टॉल मीन्स कैपिटल टी टी, हाइब्रिड टॉल मीन्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये तीनों प्लांट मीन्स 75% प्लांट ये टॉलनेस के करेक्टर को दिखा रहे हैं, लेकिन जीनोटाइपिकली इनमें चार तरीके के पौधे हो गए, सॉरी थ्री टाइप के प्लांट्स हो गए, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड प्योर टॉल। तो इसमें जो इसका जीनोटाइपिक रेशियो एफ टू जनरेशन का था वो 1:2:1 हो गया, मीन्स प्योर टॉल 1 मीन्स अगर परसेंटेज में लें 25% प्लांट्स प्योर टॉल है, प्योर टॉल 50% प्लांट्स हाइब्रिड टॉल है एंड 25% प्लांट्स प्योर डॉल्फ है, प्योर डॉल्फ। ये रिजल्ट था। एफ टू जनरेशन अगर इनको आप जीनोटाइपिक रेशियो के फॉर्म में डिटेक्ट करना चाहें, डिनोट करना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें तो दैट इज 1:2:1 प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल एंड प्योर टॉल। प्योर टॉल यहां पर लिखा हुआ है दैट इज 25%, हाइब्रिड टॉल दैट इज 50% एंड प्योर डॉग दैट इज 25%। देयरफॉर द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:1। दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो एफ टू जनरेशन में निकलता है वो क्या आता है 1:2:1। इस बात पर ध्यान दिए रहिएगा फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1 रहता है, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या रहता है 1:2:1। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब प्योर टॉल प्योर डॉग पी प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में फिनोटाइपिकली हमें टॉल प्लांट्स मिलते हैं, लेकिन जब इन्हीं पौधों को नेक्स्ट जनरेशन के लिए उगाया जाता है तो उनसे हमें दोनों तरीके के पौधे एक डेफिनेट रेशियो में मिलते हैं, जिसमें कि टॉल और डॉर्फ के जो प्लांट हैं वो 3:1 के फिनोटाइपिक रेशियो में मिलते हैं। लेकिन अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो उसमें जीनोटाइपिकली तीन तरीके के पौधे प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल एंड प्योर टॉल। प्योर टॉल में 25% प्लांट प्योर टॉल है, हाइब्रिड टॉल में 50% प्लांट्स हाइब्रिड टॉल है और 25% प्लांट्स जो है वो प्योर डॉर्फ हैं। इस तरीके से प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल और प्योर डॉर्फ का जो रेशियो है वो 1:2:1 है। दिस इज जीनोटाइपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो। ध्यान रखिएगा ये मोनोहाइब्रिड रेशियो है, टॉल और डॉर्फ का जो रेशियो है
वो डॉल और डॉर्फ का 3:1 रेशियो, वो फिनोटाइपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही, और 1:2:1 ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही जीनोटाइपिक रेशियो है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से समझ लें। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप उसको मुझसे डायरेक्ट संपर्क करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।